अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं प्ले क्लास की टीचर, आज मैं आपको उर्दू का वर्कबुक पेज नंबर 1 में अलिफ लिखना सिखाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपना काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और जब काम ख़त्म हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। ठीक है, और टॉपिक है हमारा हर्फ की पहचान करें, लिखें और तस्वीर में रंग भरें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अलिफ लिखा है और यहाँ पे एरोज बने हुए हैं। आपने क्या करना है, डॉट के ऊपर पेंसिल रखनी है और एरोज से पेंसिल को गुजारते हुए आपने अलिफ लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपने अलिफ लिखना है और अलिफ से अल्लाह, तो अल्लाह में आपने कलर करनी है। ठीक है, रंग भरने हैं और साथ में नीचे अलिफ डॉट्स में लिखा हुआ है तो आपने डॉट को डॉट के साथ मिलाते हुए अलिफ लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी भी ऐसे ही आपने राइट कर लेनी है। नीचे एक एक्टिविटी है जिसमें लिखा है, प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और हमें हर वक्त देख रहे हैं। हमें ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए जिनसे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो सकते हैं। उंगली रखें, अपने दोस्त और उस्ताद को बताएं। तो नीचे कुछ काम दिए हुए हैं, उनमें से आपने बताना है कि कौन से काम बुरे हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। लड़ाई करना, नमाज पढ़ना, बड़ों का अदब करना, म्यूज़िक सुनना। तो कौन से काम है, लड़ाई करने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं और म्यूज़िक सुनने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2 है, इसमें हम अलिफ लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अलिफ कहता है अ, अ अंगूर, अ अंडे। अलिफ कहता है अ, अ अंगूर, अ अंडे। ठीक है, और नीचे डॉट्स में आपको अलिफ दिया हुआ है, आपने डॉट को डॉट के साथ ज्वाइन करते हुए अलिफ लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी पेज भी आपने सारा ही ऐसे ही लिखना है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न राइट करना है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3, इसमें हम अलिफ मद्दा लिखेंगे और इसकी पहचान देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अलिफ मद्दा भी डॉट में और एरोज में दिया हुआ है, आपने इसको कंप्लीट करना है। डॉट के ऊपर पेंसिल रखें और एरोज से गुजारें पेंसिल को और अलिफ मद्दा लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे ये जैसे हमने अलिफ राइट किया था बिल्कुल वैसे ही हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है और अलिफ मद्दा लिखना है। ठीक है, और अलिफ मद्दा कहता है अ, आ, आम, और आम में अपने कलर करने हैं। आम कौन से रंग का होता है, पीले रंग का होता है, और आपने इसमें पीला रंग करना है। नीचे भी ऐसे ही आपने डॉट्स में लिखने हैं, डॉट को डॉट के साथ मिलाते हुए अलिफ मद्दा आपने लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, पेंसिल तराश करके अपने काम करने हैं और बाकी अलिफ मद्दा भी आपने ऐसे ही राइट करने हैं। और नीचे ये अली है, अली कह रहे हैं वह आमों की टोकरी, मुझे तो आम बहुत पसंद है, क्या आप मेरी टोकरी में आम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक डॉट्स में आपको आम दिया हुआ है और आपने डॉट्स को डॉट्स के साथ ज्वाइन करते हुए आम बनाना है। ठीक है, ऐसे डॉट को डॉट के साथ ज्वाइन करते हुए आपने आम बनाना है और इसमें कलर भी करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 4, इसमें हम अलिफ मद्दा पढ़ते हैं। अलिफ मद अ, अखरोट, अ आड़ू, अ आलू। अलिफ मद अ, आड़ू, अ आलू। और ज़रा बताएं तो आड़ू का जायका कैसा होता है, तो आपने बताना है कि आड़ू का जायका कैसा होता है। और नीचे डॉट्स में अलिफ मद्दा दिए हुए हैं, आपने डॉट्स को डॉट्स के साथ ज्वाइन करते हुए अलिफ मद्दा लिखना है और सारा पेज आपने ऐसे ही राइट कर लेना है। ठीक है, जज़ाकिल्लाह।